दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है जिसका नाम है टिप्स फॉर सक्सेसफुल बिजनेस, उसके इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ मुकेश मोहन गुप्ता। और आज भी इस टिप को बताने से पहले मैं दोस्तों आपको कहानी सुनाऊंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर। और आज दोस्तों कहानी एक नहीं दो हैं, कोशिश करूंगा छोटे रूप में आपको बताऊं। एक तो सच्ची घटना दोस्तों ऐसी है कि मुझे इस चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के एक मेंबर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था लेकिन उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि अल्टीमेटली वो उनको बिजनेस बंद करना पड़ा। दोस्तों हुआ ये कि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, मैं उस कंपनी का नाम या उस प्रोडक्ट आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसकी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी और वो अपने बिजनेस की अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं रखते थे, नंबर दो में या दूसरे तरीके से वो उस बिजनेस से दमादम प्रॉफिट कमा रहे थे। दोस्तों लेकिन क्या हुआ कि जो उनके जो अकाउंटेंट्स थे उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि साहब तो अकाउंट्स की तरफ देख नहीं रहे हैं ज़्यादा और साथ में बिजनेस भी बहुत हो रहा है, कैश फ्लो भी खूब आ रहा है, तो दोस्तों उन्होंने क्या करा, जो पेमेंट करनी होती थी सप्लायर्स को वो सप्लायर्स के साथ मिल गए और साथ में एक एक सप्लायर को दोस्तों दो दो तीन तीन बार पेमेंट करके आपस में उन्होंने साठ गांठ कर ली। और जो मालिक साहब थे उनको तो पता ही नहीं चला कि एक एक सप्लायर का पेमेंट दो बार तीन बार हो रहा है, क्योंकि वहाँ कोई अकाउंटिंग सिस्टम नहीं था। तो दोस्तों जैसा होना था वैसा हुआ, यानी वो बिजनेस बहुत समय तक नहीं चल पाया। और दूसरी जो सच्ची घटना है दोस्तों वो ऐसी है जो परसों ही मुझे हमारे एक मेंबर हैं उन्होंने बताया कि वो प्रोपराइटरशिप में काम करते थे, यानी फर्म जो थी वो प्रोपराइटरशिप थी और जो उनके अकाउंटेंट महोदय थे उन्होंने दोस्तों उसी फर्म से एक और अकाउंट खोल लिया किसी दूसरे बैंक में, जहां उन्होंने अपने अकाउंटेंट साहब ने अपने एक रिश्तेदार को प्रोपराइटर बना दिया। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि प्रोपराइटरशिप में एक ही प्रॉब्लम है कि एक ही नाम के कई लोग उस फर्म को बना सकते हैं, यानी अगर फर्म का नाम ABC है तो उसी नाम से बहुत सारे लोग अपनी फर्म बना सकते हैं और वो फिर अपनी फर्म का अकाउंट भी बैंक्स में खुलवा सकते हैं। दोस्तों हुआ यही कि वो अकाउंटेंट साहब हर महीने 2 लाख से लेके 4-5 लाख रुपए तक की चेक जो है वो अपनी फर्म का जो उन्होंने अकाउंट खुलवाया बैंक में उसमें जमा करते थे और बाकी चेक्स यहाँ पर जो असली जो MSME थी, जो असली फर्म थी, उसमें जमा करते थे। और दोस्तों वही फिर बात, अकाउंटिंग ठीक नहीं थी, जो बैंक का रिकंसिलिएशन था वो भी वो खुद करते थे, यानी वही अकाउंटिंग करते थे, वही बैंक का रिकंसिलिएशन करते थे, तो कहीं उन्होंने ये बात बताने की कभी कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि ये जो चेक आए कुछ लोगों से वो कंपनी के या फर्म के अकाउंट में नहीं जमा हुए। दोस्तों ये दो जो स्टोरी हैं उनके बेस पर ही मेरी आज की आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जी हाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है दोस्तों कि आप अपनी अकाउंटिंग को प्लीज़ शुरू से ही, यानी जिस दिन आप अपना बिजनेस शुरू करें उसी दिन से अपनी अकाउंटिंग को परफेक्ट रखें। यानी मेरी टिप है दोस्तों कि प्रॉपर अकाउंटिंग फ्रॉम Day 1। जी हाँ दोस्तों, यानी जिस दिन आप अपना बिजनेस शुरू करें आप ये मत सोचें कि चलो कोई बात नहीं अकाउंटिंग तो हम थोड़े दिन में शुरू कर लेंगे, एक अकाउंटेंट थोड़े दिन बाद रख लेंगे। दोस्तों अगर आपको अकाउंटेंट नहीं रखना, आप चाहते हैं कि आप अपने अकाउंट्स अभी अपना आप मेंटेन करना चाहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों प्लीज़ मेंटेन योर प्रॉपर अकाउंट्स फ्रॉम Day 1। क्योंकि दोस्तों अगर आपने इसमें देर कर दी तो जो दो मैंने आपको सच्ची स्टोरी बताई हैं वो कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती हैं। तो दोस्तों आज की ये छोटी टिप आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टिप कि आप प्लीज़ मेंटेन योर अकाउंट्स, प्रॉपर अकाउंट्स फ्रॉम Day 1। दोस्तों ऐसी ही और बहुत सारी छोटी छोटी टिप लेकर मैं आपके पास आऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर और जो हमारे मेंबर्स हैं या जो और इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर जो बीता है या उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं उसके ऊपर, उस बेस पर मैं अपने सुझाव आपको देता रहूँगा। ये जो हमारी सीरीज है टिप्स फॉर सक्सेसफुल बिजनेस, दोस्तों देखते रहिए
और साथ में इस एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में दोस्तों प्लीज इस बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ सके जैसे ही हम अपनी नई वीडियो यहां इस एमएसएमई हेल्पलाइन जिसको प्रमोट किया है चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने उसमें अपलोड करें। दोस्तों प्लीज नोटिफिकेशन से आप कंफ्यूज ना हो कि अब तो आपको पता चल गया कि ये जो टिप वाली जो सीरीज है हमारी ये एवरी मंडे वेंसडे और फ्राइडे रात को 10 बजे इसका एक एपिसोड आता है। जी हाँ दोस्तों ये इस सीरीज के लिए तो ठीक है लेकिन अब मैं बहुत जल्द आपको आपके बिजनेस के लिए कुछ और स्कीम्स के बारे में भी बताने जा रहा हूँ बहुत जल्दी। तो प्लीज़ आप ये बेल जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे किसी भी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन एकदम से मिल सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, नमस्कार।